पाई हड़ू दार्जिलिंग मा कष्ट होनुंच सब ठीक छो राम छो शुरू मोय मैं तपाई सबाई हड़ुलाई दसाई तिहारानी भाई टीका को मेरे शुभकामना देने चाहूंगी चाहन छु हम आज सातमो सरोज मेला का उद्घाटन कर रहे हूँ। हम शांति चाहन छे उन्नति चाहन छे पार को अच्छा चाहन छे हमारा रोशनी प्यार मोहब्बत पहाड़ से है हम पहाड़ को पसंद करते हैं करते जाएंगे आज हम देखने चाहती हूँ कि हमारा तपाई हरू सब अच्छा रहे हम होंगे कामयाब दिल से जब घायल हुए दार्जिलिंग खतरे में तपड़े दार्जिलिंग जब ताक की सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी इसमें 12 लाख अर्थात 12 लक्ष मीन्स 12 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोगों ने तैयार किया है जो और कोई जगह में नहीं कर पाया और कोई स्टेट में आप जाइए इसको बहुत बहुत अच्छा से चीज है जो खुद अपन हाथ से बनाते हैं आप उसको जरूर खरीदिए और घर में रख दीजिए दार्जिलिंग में चाय तो एक शेरा है आज का बात नहीं है मैं जब पहले यूएसए गया था यूके गया था बहुत दिन पहले मैंने देखा जो ट्रांजिट होता है जो वेटिंग लाउंज होता है उसमें जो चाय का पैकेट है उसका नाम पे दार्जिलिंग टी लिख के रखा मेरे को बहुत खुश आया अभी थोड़ा दिक्कत भी फेस करने पड़ता है कि दार्जिलिंग का टी का नाम पे कोई खराब टी भी भेजते हैं जो दार्जिलिंग का नहीं है उत्तरबंग मिलिए हमारा गवर्नमेंट 13 साल में खर्चा किया है 1,64,000 करोड़ रुपया होम स्टे टूरिज्म बना है आपको पता है पहले लामाहाटा में किया था जैसे आप रास्ता देखा है बहुत सारे नया रास्ता हम बनाते हैं हमारा पंचायत डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रुपया नहीं देते हैं और वोट का टाइम में जरूर वोट लेके चला जाता है लेकिन उसका बाद ये करेंगे वो करेंगे हैंड करेंगे तन करेंगे कुछ नहीं करते हैं झूठा कह के चला जाते हैं बहुत सारे रुपया है उसके पास चुनाव का टाइम में वो लोग आते हैं और रुपया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कुछ नहीं मिलेंगे वो लोग एक दिन काम करते हैं 5 साल में वोट के लिए हम काम करते हैं साल भर 365 दिन का अंदर 364 दिन 5 साल बाद बाद कोई लोग आते हैं नेता बनने के लिए और बम फेंक के जाते हैं गोली चला के जाते हैं दुकान बंद हो जाता है होटल बंद हो जाता है टूरिस्ट नहीं आते हैं हमारा पहाड़ को जुमला बनाने चाहते हैं ये लोग हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं पहाड़ में शांति आए इसको एक ज्यादा टैलेंट होता है आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं स्कूल बढ़िया बढ़िया स्कूल है दार्जिलिंग में हम चाहते हैं स्किल ट्रेनिंग सेंटर बने जैसे हमारा आईटीआई पॉलिटेक्निक होता है उधर में ट्रेनिंग लेने से 3 महीना का आपको नौकरी पक्का काम को रुकना नहीं
गड़बड़ करना नहीं, रुपया के लिए, इंडिविजुअल कमाने के लिए दार्जिलिंग को बेचना नहीं, कालिम्पोंग को बेचना नहीं। मैं ये देखने चाहता है कि आप लोग मिलके कहे कि जय गोरखा जय बांग्ला, जय गोरखा जय बांग्ला, एक साथ में काम करेंगे। आप खुश रहो, आप अच्छा रहो, हम तो चल बसी, हम तो चलते हैं।